जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई। कार्यकर्ताओं ने देवीलाल चौक स्थित जननायक की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और हवन यज्ञ आयोजित कर समाज की भलाई और सरकार की नीतियों को आम जन तक पहुंचाकर प्रदेश के विकास का संकल्प लिया। इस अवसर पर जसपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य एवं जननायक सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी मायाराम चंद्र भानपुरा ने कहा कि पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के असली निर्माता थे। आज भी किसानों, मजदूरों और 36 बिरादरी के हरियाणा वासियों के वे सच्चे आदर्श हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सीएम जननायक देवीलाल के पद चिन्हों पर चलकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और जसपा प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही है। जसपा जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला ने इस मौके पर कहा कि देवीलाल भाईचारे, एकता, विकास और समरसता की मिसाल थे, जिन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाकर जन कल्याण की राह दिखाई। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप मुल्तानी ने भी स्वर्गीय ताऊ देवीलाल को याद किया। उन्होंने कहा कि जेजेपी ही नहीं, अन्य दलों से जुड़े लोग भी उन्हें नमन कर रहे हैं, जो भाईचारे और उनकी नीतियों का परिणाम है। वहीं पार्टी जिलाध्यक्ष कुलदीप जखवाला ने जननायक चौधरी देवीलाल को याद किया और कार्यकर्ताओं से जननायक देवीलाल से प्रेरणा लेकर सरकार की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर जसपा कार्यकर्ताओं ने जननायक देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कुलदीप जखवाला ने दुष्यंत चौटाला को हरियाणा का आधुनिक देवीलाल बताया और कहा कि जननायक के सपनों का हरियाणा बनाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। प्रत्येक कार्यकर्ता को दुष्यंत चौटाला बनकर विकास का संकल्प लेकर चौधरी देवीलाल की तरह नीतियों पर चलना होगा, तभी प्रदेश का भला होगा। वहीं युवा जसपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर खैरा ने कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला देवीलाल के सच्चे अनुयायी हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी किसानों, मजदूरों और कमेरे वर्ग की पार्टी है। उन्होंने जननायक ताऊ देवीलाल को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि वे युवाओं के आज भी रोल मॉडल हैं और हमेशा युवाओं के रोल मॉडल बने रहेंगे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी प्रदेश को तरक्की की राह पर ले जा रहे हैं। इस अवसर पर इन सब के अलावा हल्का लाडवा अध्यक्ष जोगध्यान, हल्का थानेसर अध्यक्ष सुनील राणा, शाहबाद अध्यक्ष जगबीर मोहड़ी, पेवा के गुरलाल सिंह, शाहबाद शुगर मिल डायरेक्टर नरेंद्र घराड़सी, प्रदेश सह सचिव होशियार सिंह, रामकिशन ज्योति सर, शहरी प्रधान भीम मित्तल, हरजीत संधू, वरिष्ठ नेता सूबे सिंह त्योड़ी, कार्यालय सचिव योगेश शर्मा, राजेंद्र शर्मा, रंजीत नैन, अशोक शर्मा, सुमेर सैनी, हर्ष शर्मा, धर्मवीर, धर्मपाल बाजीगर, अजमेर सिंह, हवा सिंह सांगवान, रणबीर जागलान, रमेश मंसल, मन्नू समेत अनेक जसपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। प्रधान जी क्या कहेंगे आज यहाँ पर पहुंचे? आज हमारे क्षेत्र की जननायक जनता पार्टी ने स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी का 108वां जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाया है और हम सभी साथी चौधरी देवीलाल जी को सभी ने पुष्प अर्पित किए हैं और सभी उसकी नीतियों को और उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की सभी ने प्रेरित किया। प्रधान जी और भी कुछ कार्यक्रम इसके अलावा किया जाएगा? हाँ, इसके अलावा हमने और भी हैं, और भी बांटेंगे, हमने आज ताऊ देवीलाल जी की 108वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से और हर्षोल्लास से पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है और आज हमने कुरुक्षेत्रा में यहाँ पर आकर ताऊ देवीलाल जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए हैं और जो उन्होंने हमें दिशा निर्देश जहाँ हमें सीख देकर गए हैं एक समाज के प्रति, जो उनकी समाज भावना थी, आज हमारे सभी जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज उनकी सीख को लेकर जन जन तक पहुँचाने का कार्य करेंगे और जिस प्रकार से ताऊ देवीलाल जी ने देश हित में बड़े बड़े काम किए हैं उनकी सीख को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज पूरे भारतवर्ष में ताऊ देवीलाल जी के चाहने वालों को उन्हें आज उनके जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई देता हूँ। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश वधवा की रिपोर्ट।